बालाजी धाम बाबा नीम करौली आश्रम ट्रस्ट के तत्वावधान में आज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पीठाधीश्वर बागेश्वर धाम सरकार जी के द्वारा हनुमंत कथा का शुभारंभ किया गया, जिसमें सर्वप्रथम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा मुख्य यजमान विनित कुमार गुप्ता लोहिया, विभोर कुमार गुप्ता लोहिया, विपिन कुमार गुप्ता लोहिया, विनय कुमार गुप्ता लोहिया परिवार सहित एवं श्री राम बालाजी धाम बाबा नीम करौली आश्रम ट्रस्ट के अध्यक्ष अनिल कुमार शर्मा एवं सभी पदाधिकारी गण को पटका पहनाकर आशीर्वाद प्रदान किया, जिसमें पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा कहा गया कि मुरादाबाद का नाम माधव नगर हो जाए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने पत्रकारों को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताते हुए कहा कि आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिंदा है, यही वजह है कि आज गरीबों की आवाज बुलंद होती है। मंच संभालते ही बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज ने कहा कि जिस मुरादाबाद में हनुमान जी का मंदिर है, शीतला माता का मंदिर है, बाबा नीम करौली महाराज का मंदिर है, माँ गंगा जी का वास है, वहाँ का नाम मुरादाबाद नहीं होना चाहिए बल्कि माधव नगर होना चाहिए। आप